ऐसा समय था जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को रोजाना मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचाते थे, हमेशा 2 गज की दूरी वाले नियम का पालन करते थे ताकि उन्हें कोरोना न जकड़ ले। लेकिन धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप कम होने लगा और लोग फिर से सामान्य होने लगे। मास्क से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए था, क्योंकि कोरोना अब फिर से लौट आया है और एक नए अवतार में, या यूं कहें कि नए वेरिएंट के तौर पर। जी हाँ, एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भागलपुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अभी से ध्यान देने वाली बात कही है। उसी को लेकर भागलपुर में अपने से क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए MCH कोरोना वायरस 30 वार्ड तैयार करके रख लिए गए हैं। सभी वार्डों में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही साथ दवाइयों की भी व्यवस्था है। बता दें कि मायागंज अस्पताल के सभी कोरोना वायरस स्टाफ ने भी इस नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं असीम कुमार दास ने बताया है कि कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है, 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए MCH भवन में। सारी दवाइयां और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है। और इस प्रकार जो है, तो अब यह है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है, अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे और प्लस उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे ताकि ये पता चले कि क्या वही सीरियस वेरिएंट है या फिर मामूली वेरिएंट है, जैसा कि तीसरे और चौथे वेव में जो आया और चला गया, पता भी नहीं चला। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से चौकस हैं। बता दें कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी इस नए वेरिएंट को लेकर पहले ही कमर कस चुकी हैं और बिहार की नीतीश सरकार का दावा है कि वो तो 50,000 भी करा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।